तो वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है बिकॉज आप सभी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं 2021 में, क्लास 10 के हैं, और उन्होंने सभी बच्चों ने डिमांड किया था कि सर इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन का कुछ बताइए। तो ग्रामर पोर्शन का हम आपको एक ऐसा हिस्सा देने वाले हैं जिसमें आपके मार्क्स जो हैं वो श्योर शॉट हो जाएंगे। आप 100% आप मार्क्स जो स्कोर्ड मार्क्स है वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेटर राइटिंग हम उठा रहे हैं और लेटर राइटिंग का ये पार्ट वन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और खास बात क्या होगा कि हम आपको, जैसा हमने कहा कि ये एक ऐसा ट्रिक हम आपको दे रहे हैं कि आपको इसी के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो काफी ये हमने पॉइंट्स को निकाल करके आपके लिए दिया है। आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई दूसरा लेटर राइटिंग के लिए कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो अब हम आपके लिए रेगुलर वेज में लेकर आ रहे हैं वो छूटे नहीं, मिस नहीं हो आपसे, ठीक है। तो गाइज यहां देखिए क्या है, क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश कोड 184 लेटर राइटिंग पार्ट 1। और यहां मैं आपको बताने क्या वाला हूं, यहां मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे टाइप के लेटर्स जो आपको सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट्स देखो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, है ना, वरना आप एक अच्छा खासा नंबर आप जो है वो आप मिस कर सकते हो। अगर आप भी हैं अपने स्टडीज को लेकर के परेशान तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, यू कैन हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे आपके हर तरह के प्रॉब्लम्स में। तो आप भी ले सकते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन इन अ वेरी सिंपल स्टेप्स। You can have the foundation, NTSC and Olympiads subscription. So guys, ये सारे वो charges हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे foundation, NTSC and Olympiads subscription को लेने के लिए। The link is in the description. तो चलो मैं आपको बता दूं यहां आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो आपको एक लेटर पूछा जाता है, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, ये आपको अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं, आपको अपने लेटर में आपको ये मेंशन करना है कि किस तरह से आप लोगों का ध्यान जो है वो किसी सोशल या कॉमन इशू में की तरफ आप खींच सकें। हो सकता है आपको ये पहले से दे दिया गया हो और आपको कहा जाए कि आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखिए और उनका ध्यान खींचिए इस तरफ में, ठीक है। सेकंड टाइप का जो लेटर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, वो है कंप्लेंट लेटर, ठीक है। ये कंप्लेंट लेटर क्या है, कंप्लेंट लेटर होता है जब आप मान लीजिए कि कोई आपका वैलेट था यानी कि पर्स वो आपका खो गया, साइकिल खो गया, ठीक है, कंप्लेन करना है आपको नेबर्स के ऊपर में या पुअर फैसिलिटीज एट टूरिस्ट प्लेस एटसेट्रा। तो किसी भी तरह का कोई कंप्लेन लेटर होगा उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो इस ये जो अभी मैंने आपको दिया इनमें से ये मेन मेन पॉइंट्स हैं या मेन मेन टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिखने के लिए आपको बोला जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश पेपर में, ठीक है। अब ये ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर लेटर कौन सा होता है, जिसमें आप किसी तरह के कोई इक्विपमेंट्स जो है वो आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, आपको कहा जाएगा कि एक आप ऑर्डर एक लेटर लिखिए किसी को, ठीक है, जिसमें आप किसी सामान का ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये आपको एक नेक्स्ट टाइप का लेटर पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है इंक्वायरी लेटर, ठीक है। तो इंक्वायरी लेटर कौन सा है, जिसमें कि आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपने कोई इंक्वायरी लेटर लिखा है या फिर डिटेल्स फॉर ज्वाइनिंग अ क्लास एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि अगर आपको लेटर लिखना पड़ता है एडिटर को तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां देखिए एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट चाइल्ड लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्रग एडिक्शन एटसेट्रा। ये देखिए आपको इन सब चीजों पे बोला जा सकता है, या फिर जो अक्सर जो हमने देखा है पिछले 10 सालों का हमने इसके ऊपर पूरा अच्छा खासा रिसर्च किया और ये हम पॉइंट्स लेकर आए कि इन सभी जो अभी अभी मैंने आपको दिया इन सभी पर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पे आपको फिर पूछा जा रहा है या आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आप पॉइंटिंग टू द रैश ड्राइविंग बाय द DTC ड्राइवर्स, ठीक है, ओवर स्पीडिंग बाय द बाइकर्स एटसेट्रा, मतलब इन सब चीजों के ऊपर में ध्यान आकर्षित करना है तो आपने न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को लिखा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि
कंप्लेंट लेटर के मेन मेन टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं आपके बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कंप्लेंट लेटर के लिए मेन मेन टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, देखिए जैसे कि है रिगार्डिंग सम प्रोडक्ट्स दैट यू परचेस्ड, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा उसमें कोई डिफेक्टिव चीज निकल गया, वो डिफेक्टिव मोबाइल हो सकता है, डिफेक्टिव कैमरा हो सकता है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। कंप्लेंट लेटर हो सकता है रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ स्टाफ और सेल्समैन, ठीक है, इसमें भी हो सकता है रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस्ड इन सोसाइटी लाइक शॉर्टेज ऑफ वाटर, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक डाउन एक्सेट्रा, मतलब इन सभी चीजों के ऊपर में आप एक लेटर लिख रहे हैं कंप्लेंट का। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्डर प्लेसिंग वाले टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए पहला है जैसे कि आप मान लीजिए कि आप स्कूल यूनिफॉर्म का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किसी ड्रेस स्टोर को, ठीक है, या फिर आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बुक्स के लिए, किसके लिए, आपके स्कूल लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, या किसी और अदर एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप एक ऑर्डर सप्लाई करते हैं, या फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम फॉर योर स्कूल टीम, ठीक है। इसी तरह से आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप एक ऑर्डर प्लेस कीजिए फॉर सम ईटेबल्स फॉर योर बर्थडे पार्टी, आपका बर्थडे पार्टी है और आपने कुछ खाने का सामान का ऑर्डर प्लेस किया या किसी दूसरे इवेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। अब हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं इंक्वायरी के जो आपको पिछले 10 सालों में पूछे गए थे और आपके आने वाले सालों के लिए आने वाले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं पहला है आस्किंग अबाउट द डिटेल्स फॉर टेकिंग एडमिशन इन अ कोर्स, आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपको इंक्वायरी करने के लिए बोला जाए कि आप किसी चीज़ का एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स में, तो उसका डिटेल्स आप इंक्वायर कर रहे हैं, या फिर इंक्वायरिंग अबाउट सम वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका राइटिंग टू अ टूरिज्म कंपनी टू इंक्वायर अबाउट द डिटेल्स ऑफ सम टूर पैकेज, कि आपने किसी टूरिज्म कंपनी को एक लेटर लिखा, इंक्वायरी लेटर लिखा, ठीक है, ताकि आप उनसे उनका टूर पैकेज जो है उसके बारे में डिटेल्स पूछ सकें। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपके लिए आएगा कि हम आपको मार्किंग स्कीम बता रहे हैं कि लेटर राइटिंग में मार्किंग स्कीम किस तरह से किया जाता है CBSE के द्वारा, ठीक है, और वो आपको सीख लेना है क्योंकि इसी में आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला है कि आप जिस फॉर्मेट पे आप लिखते हैं वो फॉर्मेट पे आपका एक मार्क्स पॉइंट रहता है, देन कंटेंट पे आपको आपके आपने किस तरह से कंटेंट लिखा उस पे आपको मिलते हैं 4 मार्क्स और एक्सप्रेशन पे आपको मिल सकते हैं 3 मार्क्स। तो ये एक भी मार्क्स गाइज आपका जाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी हमने इसका पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 के लिए वेट जरूर कीजिएगा क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे रिगार्डिंग अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ, प्लीज स्टे काम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।